थाने में एक थानेदार पर युवती के साथ किए दुष्कर्म के लगाए आरोप के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कार्यशैली और व्यवहार में सुधार करने के लिए एसपी तेजस्विनी गौतम ने शनिवार को क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने अलवर के सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही थाने में आने वाले परिवादियों से उचित व्यवहार और समय पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी दी है। इसके अलावा पिछले दिनों डीजी की ओर से जयपुर रेंज के अधिकारियों की मीटिंग में दिए निर्देशों की भी पालना करने को कहा गया। व्यवहार के रूप में, आचरण के रूप में सेंसिटाइज किया गया है। विगत कुछ दिनों से पुलिस विभाग में ऐसे केसेस आए जिसके बाद हम पर प्रश्नचिन्ह उठे, उसके बारे में सेंसिटाइज कर उसके लिए संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही अभी त्योहारों का सीज़न आने वाला है तो होली के पर्व पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उस बाबत भी निर्देश किए गए हैं। शांति समिति और CLG की बैठक लेकर उनमें उनके साथ मिलकर त्यौहार में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरीके का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो, कोरोना की गाइडलाइन साथ साथ मेंटेन रहें, जो सरकार के नियम हैं, कोरोना क्योंकि अभी गया नहीं है, इस बाबत भी निर्देश दिए गए हैं।